विकास तो कुछ नहीं है, लूट है खाली। लग रहा है आनंद कुमार को जिताना है हम लोग भारी मत से। तो आखिर क्यों क्या हूँ? अरे बाहर के उन लोग हैं, कभी हमारे गांव ने आज तक देखने के लिए नहीं आए। भोजपुरी तोजपुरी से कोई लेना देना, उस नचनिया बचनिया बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं उस सिंह मैदान। गुंजन सिंह ऐसा ऐसा तो हम अपने उतना कलाकार हैं। गुंजन सिंह तो नचनिया फचनिया के यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखिए, अरे मोदी जी तो अपना बड़ा बड़ा लंबा लंबा भाषण देते हैं, वो तो जुल्मेबाज हैं। गांव में जा रहे हैं और इस वक्त भी हम नवादा संसदीय क्षेत्र में हैं और गांव के लोगों की मूड और राय जान रहे हैं। आज हमारा चौथा दिन है और चौथे दिन भी लोगों की राय जानना बेहद जरूरी है। किस गांव में हम पहुंचे, ये सीधा गांव के लोगों से जाने। इसी गांव में रहते हैं ना? हाँ जी। क्या विकास हुआ आपके गांव में? विकास तो कुछ नहीं है, लूट है खाली। इस बार क्या लग रहा है, स्थिति क्या है ना? स्थिति हम देखे रहे हैं कि जहाँ पा रहा वहाँ लुटा ही रहा है, कोई दखवाइये नहीं कोई सरकार। इस बार क्या चाहते हैं आप? इस बार का मूड आप लोगों का क्या है? मुड़े अगर बन जाए तो अच्छा बात है। किसको? यही जो दे रहे हैं आनंद। आनंद कौन है, कैसे जानते हैं आनंद जी को? हमारे लटावर गांव के हैं, यही के रहने वाले हैं जी। अच्छा, तो इस बार नवादा में मूड बदला रहेगा? इस बार बदला रहेगा। पहले वाले जो सांसद हैं उनको तो आप लोग तो अब चला गया, अब आ गए विवेक ठाकुर भी उम्मीदवार है मैदान में। तो क्या इस बार क्या चाहते हैं? यही ठीक है। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम जानते हैं। क्या लग रहा है इस बार नवादा में? बोलो। नीता जी अभी आए थे आपसे मिलने के लिए। हाँ। क्या बातचीत हुई? वोट देवल कहलखिन। कौन है ये? आनंद कुमार हखिन, यहाँ के सोनार हखिन। अच्छा, आप जानती हैं उनको? हाँ। कैसे जानती हैं? यहाँ के हखिन आप? गाँव के हैं। हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार नवादा में? देखो सगरो वोटा मिलता जीत थी। तो इस बार गांव के लोग क्या चाहते हैं? आप अपनी तो वोट देबे आओ की आप अपने गांव के लोग? हाँ। कितने संख्या में हैं आप लोग यहां पे? कितने जाति आप लोग, किस जाति के हैं? हम सब भूमियार ही है। अच्छा, तो भूमियार की जातियों का संख्या क्या है यहां पे? 300 घर है। 300 कोई ध्यान देते हैं? अच्छा, शुरू में जीते भोला सिंह, गिरिराज सिंह, चंदन सिंह, आज तक कलता के सारा जो कॉलेज था इंडियन कॉलेज लेके चले गए बेगूसराय। हैं हुआ ने? तो इस बार क्या, इस बार आप लोग क्या चाहते हैं? चाहते हैं तो जो होगा अपना आओ की जो बदला। विवेक ठाकुर भी हैं, भूमियार जाति से आते हैं वो भी। देखिए बदलाव होना चाहिए, बाहरी नहीं होना चाहिए। अच्छा, घर के होना चाहिए। विवेक ठाकुर बाहरी है? बाहरी नहीं है, पटना के हैं। जाएंगे ना पटना मिलने के लिए? पटना के, ये गांव के नखिन तो मिल लेंगे आसानी से। हाँ। के लोगों से मिल लीजिए। गांव के वोट तो देंगे हम लोग आनंद जी को। लोकल चाहिए, लोकल चाहिए। अब मेरा गांव के घर के हैं। मोदी जी आए थे नवा तो देखबे करेंगे। मोदी जी तो ऊपर है, नीचे हमको नवादा ने देखना है सर। मोदी जी भी आए थे नवादा में, मिले थे? नहीं हम नहीं गए थे, पिताजी गए थे। भाषण सुने थे नवादा में? भाषण तो टीवी देखबे किए, मोबाइल पर। क्या लगा मोदी जी के बातों से? अच्छा लगा सुनकर। फिर भी लेकिन बदलना? हाँ, यहाँ बदलना है, यहाँ नवादा में। वहाँ लोकल लाना है तो इस बार संसद मोदी को नहीं बदलना है, संसद जी को। पूरी के कलाकार भी हैं इस बार मैदान में आपके। क्या नाम है, हम जानते हैं उनको? गुंजन सिंह को जानते हैं, पहचानते हैं उनको? कैसे देखे, मिले कि नहीं कभी? मिले तो अभी मिले थे कभी नहीं, टीवी पर यहाँ आए थे तो वही मिले। हाँ, तो क्या लगा? तो ठीक है, ओके। चलिए, कुछ और लोगों की राय भी जानेंगे और जानते हैं पूरे गांव का हालचाल कि इस बार नवादा के कौन सा गांव है? लटावर गांव है। लटावर गांव का लोगों की राय क्या है? लटावर गांव के लोगों क्या चाहते हैं इस बार? क्योंकि अब हम पहले विधानसभा क्षेत्रों में थे, लोकसभा के संसदीय क्षेत्र के अंदर 6 विधानसभा आता है, उन 6 विधानसभाओं में गांव में भी हम जा रहे हैं और लोगों की राय भी जान रहे हैं। देखिए, लोग गांव में किस तरह से पेड़ के छांव का लुफ्त उठाते हैं और राजनीति का भी लुफ्त उठाते हैं। मड़ई है, दुकान है, गुमटी है, ये कौन सा गांव है बाबा? लटावर गांव है। लटावर है। लटावर गांव नवादा जिला में आता है? हाँ, नवादा जिला में आता है। तो इस बार क्या लग रहा है लटावर गांव का मूड क्या है? मूड क्या है, पड़ेगा वोट आओ क्या होगा गांव वाला को? वोट पड़ेगा तो पिछले वाले जो सांसद थे उनके साथ बातचीत कभी हुई, मुलाकात हुई आपकी? मुलाकात होने से क्या होगा, बाकी वोट इन्हीं का पड़ेगा। क्यों, क्या वजह है आखिर? हम लोग गांव में लग देते हैं वोट।
गांव में लग देते गांव वाला। तो गांव वाला ये कौन है, जानते हैं नाम इनका? जानते नहीं हैं। क्या नाम है? कुछ नाम और शंकर सिंह, अनंत कुमार। तो नाम ही नहीं जानते तो कैसे बोलते? अरे अभी लग रहा है अनंत कुमार को जिताना है हम लोग भारी मत से। तो आखिर क्यों, क्या हूँ क्या? अरे बाहर के उन लोग हैं, कभी हमारे गांव ने आज तक देखने के लिए नहीं आए। कहें कि वाह क्या कहते हैं चंदन सिंह, चंदन सिंह कहें देखिए बगल में मेरा ये रोड है, ये रोड कहें चंदन सिंह आओ, आओ क्या कहते हैं उनका सूरजभान सिंह, नहीं ये रोड कहाँ बना हुआ ये दिखाते हैं रोड। सूरजभान सिंह ने कहे की रोड को यहाँ उतर कर कहे की रोड को हम पक्की कर देंगे। कौन वाला? ये वाला, ये वाला। अच्छा। और आज तक सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह जीत के गए, हमारे गांव देखने के लिए नहीं आए, कुछ भी नहीं किए आज तक संसद। तो बाहर वाला संसद हमको क्या किया? ठीक है, संसद नहीं कुछ करेगा तो कम से कम मेरा गाँव कहाँ है, इसलिए इस संसद को हम जितावेंगे। लटावर गांव के है, लटावर गांव का मूड बदला हुआ है, एकदम मूड बदला हुआ है। बहुत सारे कलाकार भी हैं भोजपुरी के। भोजपुरी तो भोजपुरी से कोई लेना देना, उस नचनिया बचनिया बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं। गुंजन सिंह मैदान में, गुंजन सिंह ऐसा ऐसा तो हम अपने उतना कलाकार हैं। गुंजन सिंह तो नचनिया फचनिया, नचनिया फचनिया के यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ देखिए इनको आवश्यकता है। मोदी जी भी आए थे। अरे मोदी जी तो अपना बड़ा बड़ा लंबा लंबा भाषण देते हैं, वो तो जुल्मेबाज है। कैसे कैसे से आप लोग समझवा कीजिएगा, होता हम 70 हट गया राम मंदिर, हट गया था अग्निवीर योजना, उज्ज्वला गैस योजना मिला कि नहीं? हमको तो कुछ नहीं मिला है। क्या है, झूठ बोल रहे हैं? नहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं हम, व्यक्तिगत को कुछ नहीं मिला तो कैसे कह दें। अच्छा मोदी जी का भाषण सुने थे, आए थे तो? हाँ सुने थे, अरे उस बहुत लंबा लंबा भाषण उस नेतन लोग सुनेगा, हम लोग गरीबन जब हम लोग के यहाँ कुछ मिलियन रहा है तो कोई चीज सुने तो हम लोग सीधे जानते हैं, चलो भाई गांव के है इसी को जिता देना, जिताना है अभी लगाबो जोड़ अब इसी में। कौन गांव बोले आप? लटावर गांव है। लटावर गांव, लटावर गांव में कितनी संख्या है वोटरों की? है कितना है? 1000 है। कौन सी जातियों का वोट है यहाँ पे ज्यादा? बाभन का है, अति कोयरी का है, सब ब्राह्मण है, सभी जाति के लोग, हरजन है, यादव सब जाति का है। तो देखिए बदलाव के मूड में है लटावर गांव के लोग, कुछ युवा भी हैं, साइकिल से कहीं लगता जा रहे हैं आप काम करने के लिए? क्या करते हैं? इलेक्ट्रिशियन से रोजगार है जी, मोदी जी ने दिया जी, मोदी जी का ये हुनर है, हुनर है जी। तो आत्मनिर्भर तो बना दिए मोदी जी ने आपको? मोदी जी क्या बनाएंगे, आत्मनिर्भर कैसे बने आप? आपने पढ़ाई लिखाई से बने तो मोदी जी के ज्ञान से आप प्रभावित नहीं है? मोदी जी 2012 से ने स्टार्टिंग किए, 2014 से जी। तो आपके पहले वाले सांसद कौन थे? पहले वाला सांसद भोला सिंह, सही बताइए, चंदन सिंह होंगे। तो दूसरे के बातों पे आप जान रहे हैं, अपना याद नहीं है? नहीं याद नहीं, मतलब याद नहीं है मतलब मुलाकात नहीं हुई है जी, देखे नहीं उतना। हम लोग ये उसका क्या कहते हैं राजनीतिक शास्त्र में हम लोग उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, राजनीतिक शास्त्र में हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अच्छा, तो इसी गांव में आप रहते हैं? नहीं हम, मेरा गांव है मंजवे, तुंगी मंजवे। इस बार क्या लग रहा है नवादा में? इस बार तो माहौल बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, जैसे में गुंजन सिंह और ये विवेक ठाकुर और ये उसका लंटन छाप विनोद यादव जी, बहुत सारे उतना नाम कैसे विवरण है। तो मतलब है कि इस बार क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि सही मुद्दा हो, सही आदमी हो, सही व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को होना चाहिए जो हम लोग आपस में अगर कभी भी मिल जाए तो बात दो बात दो चार बात हो सके, भाई भाई में पहचान सके, वो होता है। और हम लोग आपको जिता दिए, बिहार हमको पहचान नहीं रहे तो ऐसा क्यों जिताने हैं? बदलाव के जी, मोदी जी के बहकावे में नहीं आते, बहकने वाले और पैसा देने वाले तो बहुत आते हैं। 400 पार जो बोल रहे हो, 400 पार बोल रहे हो? 400 पार वो तो होने के बाद ही ना होता है, अभी अभी फिलहाल पहले हो जाता तो ना होता। इस बार लटावर का मूड क्या है? लटावर का मूड है कि घर का बेटा है और घर का नेता होना चाहिए। क्यों? इस क्यों, क्योंकि समाज का सेवा करेगा, देश का सेवा करेगा, हाँ जनता को कहूँ जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, मोदी जी 400 पार है, लेकिन मोदी जी गलत किए हैं कि अपना गांव का मतलब अपना नवादा डिस्ट्रिक्ट का कोई कैंडिडेट को नहीं दिए, बाहरी आदमी को दिए हैं और बार बार आते हैं और चले जाते हैं, इसी के कारण जनता में आक्रोश थोड़ा है। बहुत
सारे लोग हैं, गुंजन सिंह भी हैं, विनोद यादव हैं, अब विवेक ठाकुर तो है ही है, तो इस बार गुंजन सिंह को क्या देखते हैं? गुंजन सिंह देखिए निर्दलीय से हैं, भोजपुरी के स्टार हैं, वो एक स्टार हैं, तो उसके चलते उनको थोड़ा सा सेलिब्रिटी मिलेगा जनता के बीच में, लेकिन एक घर के हैं मेरे और इनको हम सब खुल के सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छा चीज है कि खुश क्या है आखिर आनंद कुमार में ऐसी क्या बात है आपको नजर आई? क्योंकि साथ हम पढ़े लिखे हैं, वो अच्छा व्यक्ति है और क्या, समाज के लिए अच्छा करेगा, अगर कुछ काम पड़ेगा तो कहूँ जाना नहीं पड़ेगा हमको, आसानी से होगा और जनता को क्या चाहिए। हाथ वात रंग लिए हैं, शादी उदी कर नहीं नहीं आपसे मिलेंगे बात, शादी से आप आए हैं, देखिए ससुराल से आए हैं भैया, देखिए ये सब बात गलत आप मत कीजिए, आपके साथ बैठ के बतियाएंगे, थोड़ा बैठने दीजिए हमको, बड़ा बढ़िया आदमी आप, क्या लग रहा है इस बार? इस बार क्या लगेगा, नवादा मेरा गांव का लड़का है, साथ में हम लोग पढ़े हैं, सहपाठी है, बहुत खुशी की बात है जो कि मेरा गांव से एक गरीब परिवार से नेता उभरता हुआ है, तो ठीक है हम लोग पूरा गांव सपोर्ट करेंगे, उसके लिए कोई दो राय नहीं है। तो इस बार बदल देंगे? हाँ बदल देंगे, हम लोग का तो पूरा गांव का जब घर ही का है, अरे इसे घर का बेटा नवादा जिला है, तो मेरा गांव का ही है, बचपन से हम लोग साथ में रहे हैं, पढ़े हैं, खेले हैं, कूदे हैं, तो इससे बड़ा खुशी और क्या होगा, और क्या चाहिए, सही बात, मेरा गांव का नाम रोशन हुआ कम से कम। बहुत सारे लोग मैदान में हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, मोदी जी भी आए थे, गुंजन सिंह भी हैं जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, कलाकार हैं, नवादा के ही हैं, तो क्या उन पे मन नहीं डोल रहा आपका? मन अब अगर मेरा गांव का नहीं रहता तो फिर मन डोलता, जब मेरा घर का ही है, मेरा अपना घर का ही, तो फिर क्या फायदा मन डोलाने से, हम घर को क्यों नहीं वोट दे? हाँ जी, तो इस बार बदल देना है, इस बार बदल देना है, चलिए इस बार बदल देना है, कुछ और भी है, आप भी लगता है इसी गांव में रहते, पूरा स्टाइल आपका तो अच्छा, सुनिए ना देखिए वो सब नहीं चलेगा, बात तो करेंगे आपसे, बात करने के लिए आप इसी गांव में रहते हैं, कहीं बाहर में काम उम करते हैं? यहीं पे हैं, क्या करते हैं? कुछ करेंगे खेती बाड़ी। मोदी जी आए थे? नहीं नहीं, क्यों हमने को उतना पहुँच है जो मोदी जी भी मिले ले गाँव में, आपके आए इलाका में आए नवादा में, अच्छा चलिए वो भीड़ में जा पाई भाई से बताओ, नहीं मिल पाएंगे, तो इस बार क्या मूड लग रहा है नवादा में? गांव वाला के वोट देंगे। गांव वाला कौन है? आनंद कुमार वर्मा। कैसे जानते हैं आनंद जी? साथ ही पढ़ा है। पढ़ाई लिखाई आपके साथ की है। बहुत सारे आपके उम्मीदवार यहाँ पे भी हैं, गुंजन सिंह है, विवेक ठाकुर है, विनोद यादव है। पहले सबको कहल गए कहावत की घर बात तो जगहत्तर बात समझ लो, पहले घरक देते कि पहले दूर के देखते, सही बात, और ओकर बाद 20 साल से कोई कहे नवादा को जे गुलामी की जंजीर से में जी रहले है, अच्छा, तू जंजीर भी तो हटना चाहिए। क्या विकास होना चाहिए गांव में? विकास तो होना चाहिए, पर सबसे पहला शिक्षा पर फोकस होना चाहिए समझे, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए समझे, रोड नली गली ये सब जरूरी है, जरूरी, तो इस बार बदल देना। हाँ तो देखिए लोगों की राय जो है अलग अलग है और गांव के लोग ने इस बार तय कर लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए हमको नवादा का बेटा चाहिए, अब किसे देंगे ये तो 4 दिन को तय हो जाएगा, जब फैसले और नतीजे आएंगे उसके बाद ही। यहाँ की आप कोई भी वोट किसी को भी दीजिए, हम ग्राम का बेटा है लेकिन जो अच्छा करते हैं उन्हें वोट दीजिए, लेकिन वोट देने से पहले 10 मुद्दा है, उनसे जरूर पूछिए कि अगर आप सांसद बनिएगा तो महीना में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता की बातों की सदन में रखेंगे समस्याओं को, अगर कहता है तो ठीक है, नहीं तो बहिष्कार कीजिए। अगर आप सांसद बनते हैं तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए जिला प्रखंड और पंचायत में एक लाइब्रेरी की व्यवस्था देंगे, अगर कहता है तो दीजिए नहीं तो बहिष्कार कीजिए, क्योंकि ये मेरा है। अगर हम नवादा से सांसद बनते हैं, हम सभी जगह जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं, हम अगर नवादा के सांसद बनते हैं तो सबसे पहले मैं सांसद बनूंगा तो महीने में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और लोगों की जन समस्याओं को सदन में रखने का प्रयास करूंगा। दूसरा मुद्दा है कि जैसे ही सांसद बनते हैं हर प्रखंड और पंचायत में और जिला में लाइब्रेरी की व्यवस्था देंगे जहां बच्चों फ्री पढ़ेंगे। तीसरा चीज, जैसे सांसद बनते हैं 50,000 बच्चों को रोजगार देंगे और 1,00,000 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएंगे। अगला मुद्दा है कि जैसे ही सांसद बनते हैं नवादा के हर प्रखंड में एक लघु उद्योग केंद्र की स्थापना होगा जहां बच्चों हमारा जो बेरोजगार होते जा रहे हैं वह रोजगार करेंगे। पांचवा मुद्दा है कि हम
हर प्रखंड में एक पार्क की व्यवस्था करेंगे जहां पर हम एक चौपाल लगाकर बैठेंगे। तो शिक्षा मेन मुद्दा है।